बेसिकली व्हाट्सएप और फेसबुक पे एक बहुत ही मैंगोज के बारे में एक वीडियो वायरल हो रहा है। सो उसमें कहा गया है कि मैंगोज कितने ही खाइए, मैंगो लोकल फ्रूट है, उसमें कैलोरीज कम है और ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताई गई है जो एग्जैक्टली मतलब साइंस से मैच नहीं करती। और आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक पे जो लोगों को मिसगाइड करते हैं और इसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट्स मैंगो अनलिमिटेड प्रपोर्शन में खाने लगते हैं और एक्चुअली प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैंगोज के बारे में कुछ बताऊंगा। सी, डायबिटिक पेशेंट ने मैंगो नहीं खाना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन लिमिट में खाना चाहिए। अब उसमें भी ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेज में। एक अर्ली डायबिटिक पेशेंट, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वैसा पेशेंट, अगर मैंगो खा ले तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा और लिमिट से थोड़ा ज़्यादा भी खा ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक पेशेंट, आप इमेजिन कीजिए 30 ईयर्स से डायबिटिक है, वो थोड़ा भी कुछ अगर खाता है तो शुगर तुरंत फ्लक्चुएट होती है। तो ऐसे पेशेंट्स में मैंगो खाना डेंजरस हो सकता है या फिर लिमिट से ज़्यादा खाना। यूजुअली कितना खाना चाहिए, कोई भी डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा से ज़्यादा वन स्लाइस इन द मॉर्निंग एंड वन स्लाइस इन द इवनिंग, मतलब आधा मैंगो मीडियम साइज का ज़्यादा से ज़्यादा इतना खाइए। और वो भी प्रेफरेबली 11 बजे और 5 बजे खाइए, क्योंकि दो मील्स के बीच में का टाइमिंग है, मील्स के तुरंत बाद मत खाइए। अनफॉर्चुनेटली अपने देश में खाने के साथ में मैंगो खाने की आदत है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग आम रस खाते, तो रस खाने के बजाय मैंगो को चबा के खाइए। दूसरा एक मतलब अगर मैंगो की स्किन बहुत ही पतली है तो आप मैंगो को स्किन के साथ भी खा सकते हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा फाइबर्स मिले। तो ये सारी चीज़ें आप मैंगोज के बारे में कर सकते हैं। मैंगोज में काफ़ी लोग मिल्क शेक बना के पीते हैं, तो मिल्क शेक और भी ख़राब हो जाएगा क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन फास्टर रहेगा। अगेन उसमें एक प्रॉब्लम होगा कि मिल्क होने की वजह से फैट कंटेंट भी ज़्यादा हो सकता है। तो कौन से फॉर्म में आप मैंगो ले रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने बताया, एक सिंपल डायबिटिक पेशेंट और एक कॉम्प्लिकेटेड डायबिटिक पेशेंट सेम चीज़ खाता है तो अलग अलग रिस्पॉन्स आते हैं। तो हमेशा आप मैंगोज के बारे में या फिर कोई भी फूड के बारे में अपने डाइटिशियन या डॉक्टर से बात करके ही खाइए। नाउ कमिंग टू मैंगोज एंड कैल्शियम कार्बाइड, आपको पता होगा कि बहुत सारे मैंगोज आर्टिफिशियली पकाए जाते हैं कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करके, केमिकल यूज़ करके। तो ये मैंगोज बहुत डेंजरस हो सकते हैं हेल्थ के लिए। ये कैसे पहचाने जाते हैं, एक रेगुलर मैंगो अगर आप लें ऑर्गेनिक मैंगो, तो वो यूनिफॉर्मली पका हुआ नहीं होगा, कहीं पर ग्रीन होगा, कहीं पर रेड होगा, कहीं पर येलो होगा, अलग अलग टिंच दिखेंगे उसमें। लेकिन एक कैल्शियम कार्बाइड वाला मैंगो आपको यूनिफॉर्मली पका हुआ दिखेगा। तो ये सारी छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिए। तो आई थिंक ये सारी करके और अपने आपके डॉक्टर को पूछ के अकॉर्डिंगली मैंगोज खा सकते, नॉट बी अ प्रॉब्लम। लेकिन फाइनली आपको यही कहूँगा कि कोई भी व्हाट्सअप और फेसबुक मैसेज पे ब्लाइंडली बिलीव मत कीजिए, ये आपके हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है।